हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, मार्केट में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 16,000 के पास ट्रेड कर रही है एंड ये तो होना ही था। देखिए, मार्केट एक कंसोलिडेट करी, काफी एक कंसोलिडेशन रेंज में देखी हम सभी ने, 15,200 से 15,700 के बीच में। वहां काफी टाइम स्पेंड करा मैंने आप सभी से, कंटिन्यू कहा कि मुझे ये शॉर्ट टर्म में बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, हम लोग दोबारा ऊपर की तरफ आ सकते हैं। बट इतनी खुश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम दोबारा से एक बड़े रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी आज की सुबह की पहली वीडियो मार्केट के ऊपर ही थी, जहां मैंने आपको क्लियरली बोला 16,025 तक हम लोग जाते हुए दिख रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 16,025 का हमारा पहला टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है एंड डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है 16,050 एंड 16,200 पे हम लोग एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस करेंगे। इन केस हम लोग उसके ऊपर निकलते हैं, देन हम ये समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म का जो बॉटम है 15,200 उसे कंफर्म कर देना चाहिए एंड अब हम लोगों को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ना कि सेल ऑन राइज की। चलिए, वो तो देखने वाली बात है कि कब क्या होता है। अभी तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सेकंड हाफ में देखते हैं। एंड सेकंड हाफ की बात करें तो कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट जो है वो हरे निशान में खुलने की उम्मीद है, क्योंकि यूरोपियन स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू ओपन हायर ऑन ट्यूजडे एज ग्लोबल मार्केट लुक टू सीमेंट गेन्स आफ्टर अ ब्रूशिंग वीक फॉर स्टॉक लास्ट वीक। तो कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। दुनिया के बाजार, ग्लोबल मार्केट्स भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव खुलने के संकेत दे रहे हैं एंड सबसे बड़ी बात, डाउ फ्यूचर्स डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। कल की सेशन में उनकी छुट्टी थी, आज देखते हैं कैसा कामकाज होता है। हमारी मार्केट में पूरी ब्रॉड बेस मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी मैं आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक पे बात करने वाला हूं जिसने लोगों का पैसा तो कम भरोसा ज्यादा डुबाया है। LIC के IPO के बाद से LIC का स्टॉक हमारी तरफ से हमेशा सेल की रिकमेंडेशन में रहा एंड आपको आईपीओ को भी इग्नोर अवॉइड करने की सलाह दी थी। लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं इस स्टॉक पे बाय रिकमेंड करने जा रहा हूं। क्यों करने जा रहा हूं इसके बारे में आपको बताता हूं। स्टॉक चार्ट्स पे बहुत ही ज्यादा रीजनेबल देखने को मिल रहा है, बहुत मतलब कंफर्ट दे रहा है चार्ट। ऐसा लग रहा है कि यार अब डाउनसाइड बहुत लिमिटेड एंड अपसाइड बहुत दिख रही है, तो मैं आपके साथ प्रॉपर एक बाइंग स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूं। अगर आपके पास है तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप यहां अपने स्टॉक को एवरेज बॉटम फिशिंग कर सकते हैं एंड आपके लिए मैं जो SL दूंगा वो आप पुराने शेयर पे रखें ना रखें, जो नए खरीदेंगे उस पर जरूर रखना। मैं इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी नेगेटिव हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग व्यू पॉजिटिव बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक आपको यहां से लगभग 5-6% के रिटर्न्स देने के लिए सफल हो सकता है, तो उस हिसाब से आप यहां बाइंग बना सकते हैं। चलिए, लेवल शेयर करता हूं आप सभी के साथ। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी कोई क्वेरी हो किसी स्टॉक से रिलेटेड या फिर मार्केट से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए 709 पे ये स्टॉक प्लेस्ड है। अगर आप इसका चार्ट खोलेंगे ना अपनी स्क्रीन पे तो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा था, गिरता गिरते स्टॉक में 800 के नीचे शार्प ब्रेक डाउन हुआ एंड वहां से स्टॉक वन साइडेड गिर के 668 पे आया एंड फिर उसी रेंज में स्टॉक लगभग 13 जून से लेकर 30 जून यानी ऑलमोस्ट 17 दिन ये स्टॉक ऑफ मार्केट ऑन मार्केट दोनों को मिला के मैंने काउंट करें ये स्टॉक कंसोलिडेट करा उसी रेंज पे 660-650 के रेंज पे। हाँ, 52 वीक लो भी 650 एंड वहां से अब स्लाइटली यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है। अब इस स्टॉक के लिए पहला टारगेट 800 रुपए का तो रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन उसके नीचे 780 का पहला टारगेट दिख रहा है। अभी 709 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अब पूरी स्ट्रेटजी ध्यान से सुनिए, 673-675 यानी 670-675 कह सकते हैं आप, 25 रुपए का SL, हालांकि यहां से 35 रुपए हो रहा है, SL भी काफी बड़ा निकल रहा है बट चार्ट के अकॉर्डिंग वही बन रहा है कहीं ना कहीं, तो 35 रुपए का SL रखें आप एंड कोशिश करें ये स्टॉक आपको इंट्राडे में अगर इनकेस ये 705-700 रुपए मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है और हमारा SL थोड़ा नीचे हो जाएगा, तो 770-775 के SL के साथ इस स्टॉक में बाय रिकमेंड है। 25-35 रुपए का SL जो प्रॉपर SL है, 5% के लगभग का SL हो गया एंड टारगेट्स लगभग 10% के हैं। अब इसका जो फर्स्ट टारगेट है आप सभी के लिए, वो फर्स्ट टारगेट बनेगा स्टॉक में लगभग मैं आपको बताऊं 760 रुपीज का एंड सेकेंड टारगेट जो होगा 780 रुपीज का होगा, तो ये इन दो टारगेट्स के लिए इस SL के साथ बाय करना है एंड जो SL है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मैं आपसे दोबारा कर रहा हूं, अगर SL ब्रेक होता है मैं सेल की रिकमेंडेशन दूंगा,
दोबारा वीडियो बनाऊंगा, सेल करूंगा, एंड यहाँ पे आप लोग ये ना कहें बिल्कुल भी कि आपने तो बाय खा था। बिल्कुल ये ट्रेडिंग व्यू है एंड ट्रेडिंग व्यू में SLB होते हैं, आप लोग इतना समझ लीजिए। चार्ट्स पे पॉजिटिव है, कल मार्केट के लिए कोई खराब खबर आ गई एंड मार्केट टपक गई तो LIC कुछ नहीं करने वाला, मैं आपको बताऊं। स्टॉक में और कुछ चीजें बताऊं तो 24 लाख शेयर आज के सेशन में ट्रेड हुए, 52 लाख शेयर का एवरेज वॉल्यूम है। अभी तो मार्केट की स्टार्टिंग है एंड मार्केट जो है संकेत अच्छे दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जाऊं तो 4th जून को एक कंपनी की तरफ से खबर है, कंपनी अप्रूव इन्वेस्टिंग इन प्रपोज राइट ऑफ राइट्स इशू ऑफ LIC नेपाल लिमिटेड वर्थ 806 बिलियन। तो ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। एंड और भी मैं आपको बताऊं तो स्टॉक के लिए मैं कुछ आपके लिए वॉल्यूम एंड डिलीवरी परसेंटेज शेयर करना चाहूंगा। कल के सेशन में 38% डिलीवरी हुई है, 5 दिन का एवरेज 33 एंड 30 दिन का एवरेज 31, दैट मींस डिलीवरी परसेंटेज ज्यादा नहीं है, इसीलिए ट्रेडिंग व्यू है एंड मुझे लगता है आप बाय करिए, SL रखिए एंड टारगेट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो ये मेरा पूरा व्यू LIC के स्टॉक के लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद में आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।